विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी में लंबे समय के बाद विश्व शांति कल्याण बल कोरोना महामारी के नाश के लिए मंदिर प्रशासन द्वारा 1.25 लाख गायत्री जाप शुरू किया गया, जिसे मंदिर परिसर में ही किया जाएगा। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में गणपति पूजन व विधिवत पूजा अर्चना के साथ मंदिर अधिकारी जगदीश शर्मा द्वारा जाप का आयोजन ब्राह्मणों द्वारा शुरू करवाया गया। मंदिर अधिकारी व तहसीलदार जगदीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व शांति विश्व कल्याण व कोविड महामारी नाश के लिए गायत्री जाप का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 5 दिन में 1.25 लाख संख्या तक किया जाएगा और 6ठे दिन हवन यज्ञ का इसका समापन किया जाएगा। आज श्री माँ ज्वालामुखी शक्तिपीठ में विश्व जन कल्याण हेतु कोविड-19 के निवारण हेतु माँ गायत्री का 1.25 लाख जप और उसके आदि में गणपति भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु जप के लिए 7 ब्राह्मणों द्वारा आयोजन किया जा रहा है। इसमें मंदिर प्रशासन के द्वारा सहयोग भी दिया जा रहा है और उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप इस महायज्ञ का प्रारंभ हुआ और हम सब माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि विश्व का कल्याण हो और ये जो महामारी फैली हुई है ये भी खत्म हो। और सच्चे दरबार की जय। आचार्य प्रबल शास्त्री ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर प्रशासन की तरफ से कोरोना महामारी एवं विश्व जन कल्याण हेतु के धार्मिक अनुसंधान किया जा रहा है। ये अनुसंधान गायत्री मां का 1.25 लाख जाप 5 दिनों में किया जाएगा। 6ठे दिन इस अनुष्ठान का हवन किया जाएगा। आज श्री ज्वालामुखी मंदिर में गायत्री जाप शुरू हुआ है, जिसमें 1.25 लाख मंत्रों का जाप होगा। ये जाप 5 दिनों के लिए चलेगा और 6ठे दिन 26 तारीख को हवन आयोजित होगा। इसका मुख्य लक्ष्य जन कल्याण, शांति और मुख्यतः कोरोना रूपी महामारी का सर्वनाश करना है।